मतलब हवा में जो लैम्डा होगा वो लैम्डा वन से बड़ा होगा। मैंने उल्टा लिखा, रुको 1 मिनट। तो लोगों ने भी हाँ बोल दिया। ऑब्वियसली हवा में जो वेवलेंथ होगा वो उस मीडियम की वेवलेंथ से क्या होगा, बड़ा होगा ना, बिकॉज हवा में स्पीड स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, ज्यादा होता है, और किसी और मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, कम होता है। तो हवा का वेवलेंथ अगर मैं लैम्डा नॉट कहता हूँ, दिस इज लैम्डा नॉट इन एयर, तो मीडियम के वेवलेंथ से वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे म्यू वन इंटू लैम्डा वन, लैम्डा वन इज इन डिफरेंट मीडियम। What is lambda? Lambda is actually the distance traveled by light in one full time period. And distance traveled by light उसके speed पे depend करता है। तो हवा में light का speed सबसे ज़्यादा होता है। तो one full time period में वो सबसे ज़्यादा distance cover करेगा। तो lambda not cover उस सबसे ज़्यादा होगा। As compared to any other medium. So that is the reason हम lambda not को क्या लिखेंगे? Mu one into lambda one. ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं values put करता हूँ, मैं directly answer लिखता हूँ, इसका value मेरे को मिल जाएगा, that is 0.4 mm। किसी को कोई doubt इसमें? Anyone having any doubt? So give me a reply. Hello. Chalo koi reply yaar. No sir. Okay. Okay. So lambda not ka value humne likh liya, theek hai na? Lambda not ka value humko pata chal gaya. Aur dhyan se dekho, yahan par na lambda 2 ka value nahi diya hua hai question mein. Lambda 2 is the wavelength of light in the medium having refractive index mu 2. तो lambda 2 का value हम कैसे निकाल सकते हैं? How can we find out the value of lambda 2? Lambda 2 का value क्या होगा? Obviously lambda not से छोटा होगा, तो lambda not divided by mu 2 कर दिया हमने, ठीक है? Lambda 2 is the wavelength of the light in the medium 2 जिसका refractive index mu 2 है, तो lambda not by mu 2. Lambda not का value हमने 0.4 mm लिख के रखा है, और mu 2 का value already दिया है। mu 2 का value कितना दिया है, ध्यान से देखो, that is 10 by 9. तो इसका value आ जाएगा finally कितना आएगा, मैं directly answer लिखता हूँ, that is 0.36 mm, ये आ जाएगा, this is the value of lambda 2, ठीक है? Okay. अभी मैंने माना कि यहाँ पर net part difference क्या है, 0 माना है, ठीक है ना, ये angle alpha है। तो slit के पहले का part difference, स्लिट के पहले के पार्ट डिफरेंस को मैं डेल फाइव वन लिखता हूँ, एंड स्लिट के बाद का जो पार्ट डिफरेंस है उसको मैं डेल फाइव टू लिखता हूँ। एंड मुझे पता है कि यहाँ पर टोटल पार्ट डिफरेंस क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, विच मीन्स डेल फाइव वन प्लस डेल फाइव टू शुड बी इक्वल टू जीरो। स्लिट के पहले का पार्ट डिफरेंस, सॉरी, फेस डिफरेंस को अगर मैं स्लिट के बाद के फेस डिफरेंस के साथ एड कर दूँ तो वैल्यू जीरो आना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? एनी वन बोलो। ओके, तो डेल फाइव वन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा, इन दिस केस लैम्डा 1 लिख देंगे हम, और यहां पर हम पार्ट डिफरेंस क्या लिख देंगे, डेल एक्स 1। डेल एक्स 1 मतलब ये वाला पार्ट डिफरेंस, डेल एक्स 1। एंड डेल फाइव टू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा 2। एंड यहां का जो पार्ट डिफरेंस है, ध्यान देना, इस जगह का जो पार्ट डिफरेंस है इस रे और इस रे का, मैं ऐसे एक लाइन बना सकता हूँ। तो इन दिस केस ये वाला जो पार्ट डिफरेंस है इसको मैं डेल एक्स टू लिख के रखता हूँ, ठीक है? सो दिस इज इन दिस केस, लेट अस से दिस पार्ट डिफरेंस इन दिस केस इज इक्वल टू डेल एक्स टू एंड दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? तो टू पाई चला गया। अच्छा, डेल एक्स वन को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, एंगल थीटा दिया हुआ है, दिख रहा है मेरे कर्सर को, देखो यहाँ पर थीटा अगर दिया हुआ है और स्लिट का विड्थ अगर डी है, तो डेल एक्स वन का विड्थ हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है? That is lambda 1 divided by lambda 1 plus. Similarly, del x 2. Slit के बाद का part difference. ये दिख रहा है del x 2. और यहाँ पर center, ये जो line है, ये dotted line है, ये central line के साथ alpha angle अगर बना रहा है, तो del x 2 का value कितना हो जाएगा? That is d sine alpha divided by इसका part of, इसका lambda 2 wavelength. Lambda 2 से हमने divide कर दिया. तो ध्यान से देखो, यहाँ पर theta का value दिया हुआ है 30 degree. d तो cancel out हो जाएगा. लैम्डा 1 का वैल्यू हमको पता है, लैम्डा 2 का वैल्यू हमको पता है, दैट इज थीटा के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, साइन 30। लैम्डा 1 का वैल्यू हमने क्वेश्चन में दिया हुआ, दैट इज 0.3 mm प्लस
साइन अल्फा ये हमको पता नहीं है, we don't know the value of alpha. Lambda 2 का वैल्यू हमने पहले से निकाल कर रखा है, this is 0.36 mm and that is equal to 0. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहां से हम अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं, और यहां पर साइन अल्फा का जो वैल्यू आएगा, I'm not very sure about the answer, मैं डायरेक्टली लिखूंगा नहीं, लेकिन जो भी आएगा वो माइनस में आएगा, दिख रहा है ना इक्वेशन से, साइन अल्फा का वैल्यू माइनस में आएगा और यहां से अल्फा का वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ समथिंग आ जाएगा. ठीक है, मैं वो कैलकुलेशन नहीं कर रहा. अच्छा, अल्फा का वैल्यू नेगेटिव आया, व्हाट डज दिस मीन? अल्फा का वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है, दिस इज नेगेटिव, व्हाट डज इट इंप्लाई? इस बार S1 से जो रे आया वो ज्यादा दूर ट्रेवल किया. ओके, और क्लियरली बताओ. सर ऑक्टेव सेंटर का मतलब इस बार नीचे होगा, नेगेटिव y में होगा. यस यस यस, हमने जो यहां पर अल्फा चूज किया है, अरे ध्यान से देखो, अगर ऐसा डायग्राम होगा, देखो ये वाला जो रे है, मेरे कर्सर को देखो, ये वाला रे हमेशा छोटा है और ये वाला रे हमेशा बड़ा है, तो एक दूसरे को कैसे कैंसल आउट करेगा? एक लोग कभी भी कैंसल आउट नहीं कर पाएगा. तो ये जो जीरो फेज डिफरेंस वाला लोकेशन ऊपर कभी नहीं होगा, इस सेंट्रल लाइन के नीचे होगा, समवेयर हियर. अल्फा का वैल्यू नेगेटिव, ये मतलब ये समझाता है कि सेंट्रल लाइन के ऊपर नहीं होगा, सेंट्रल लाइन के नीचे होगा. अगर नीचे कोई पॉइंट आएगा तभी जाके इन दोनों का पार्ट डिफरेंस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा. समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो यहां से हम अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं. तो यहां पर अगर हमने अल्फा निकाल लिया, इफ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा, हम उस जगह का वाई कोऑर्डिनेट बहुत आराम से निकाल सकते हैं. ठीक है, इफ अल्फा इज बेसिकली वेरी स्मॉल, मैं यहाँ पर आंसर लिख नहीं रहा, अगर अल्फा बहुत ही स्मॉल है तो अल्फा को हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं? 10 अल्फा लिख सकते हैं. 10 अल्फा विल बी इक्वल टू दिस क्वांटिटी, एंड 10 अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? y डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज y डिवाइडेड बाय कैपिटल B. यहां से हमको y का वैल्यू पता चल जाएगा, व्हिच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द टोटल फेज डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेयरिंग वेव्स इज जीरो. चलो यहां तक मैंने बता दिया, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? किसी को अगर कुछ पूछना है तो. सर हाँ. सर अल्फा का वैल्यू नेगेटिव हुआ, उसका जो आपने सर प्रैक्टिकल फील दिया वो सर समझ में नहीं आया सर. अल्फा का वैल्यू नेगेटिव का मतलब है कि जिस पॉइंट पे फेज डिफरेंस होगा वो ऊपर नहीं होगा, वो इस सेंट्रल लाइन के नीचे होगा कहीं, यहाँ पर कुछ इस रीजन में होगा. यहाँ पर डेल्टा फाई जीरो होगा प्रैक्टिकली. वो कैलकुलेशन में हमको साइन का ध्यान देना नहीं है, इसलिए हमने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया. बट अगर तुम रियल लाइफ में पूछोगे सर अल्फा इस सेंट्रल लाइन के ऊपर होगा या नीचे होगा, वो मतलब जीरो पार्ट डिफरेंस वाला लोकेशन इस सेंट्रल लाइन के ऊपर होगा या नीचे होगा, तो इसका आंसर होगा कि नीचे होगा. अल्फा का वैल्यू नेगेटिव है मतलब नीचे की तरफ होगा. सर आपने जो कहा सर कि वो सेकंड लाइन बहुत लंबा है तो इसलिए नीचे होगा, ऐसा कुछ आपने कहा? देखिए यहां पर इन दोनों को कंपेयर करना, तो इन दोनों के बीच ये छोटा है और इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर, इसमें भी यही छोटा है. हाँ सर. तो हाउ कैन देयर पार्ट डिफरेंसेस कैंसिल आउट ईच अदर? हमेशा ये ऊपर वाला तो हमेशा छोटा है, ये वाला तो हमेशा बड़ा है, तो दे विल नॉट बी एबल टू कैंसिल आउट ईच अदर. स्लिट के पहले अगर ये रे लंबा है तो स्लिट के बाद इस वाले रे को लंबा होना पड़ेगा, तब जाके एक दूसरे के पार्ट डिफरेंस को वो कैंसिल आउट कर पाएगा. विच मीन्स ये तभी हो पाएगा जब ये लोकेशन सेंट्रल लाइन के ऊपर ना हो, सेंट्रल लाइन के नीचे हो, समवेयर हियर, कुछ यहाँ पर होगा तभी जाके ये पॉसिबल. ठीक है, एनी डाउट सो फार? सर वो वाला पार्ट सर फिर से सर समझाइए सर. कौन सा भाई? सर अभी जो सर आपने कहा कि पहले वाले, हाँ तुम डायग्राम करके तुमको देखना पड़ेगा, तुम खुद ड्रॉ करके देखो. पहले वाले केस में भाई ये रे छोटा नहीं है क्या? इस रे का लेंथ मेरे कर्सर को देखो, छोटा है ना? हाँ सर. तो और सेकंड वाले स्लिट के बाद में भी इसी रे का लेंथ छोटा है ना? हाँ सर. तो ये वाला पाथ तो हमेशा छोटा और ये वाला पाथ तो हमेशा बड़ा है, नीचे वाला का पाथ. तो हाउ कैन देयर पाथ्स बी इक्वल एट दिस पॉइंट? वो कभी इक्वल नहीं हो सकता. तो स्लिट के पहले अगर ये कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो स्लिट के बाद इस वाले रे को, ये वाला जो ऊपर वाला रे है उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तब जाके वो ये वाला रे, मतलब बेसिकली स्लिट के पहले का और स्लिट के बाद का पार्ट डिफरेंस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा. मतलब सोच के देखिए, ऐसा है स्लिट के पहले और उसके बाद इसमें इसका पाथ ज्यादा है, उसके बाद अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूं ऐसा ऐसा, उसमें ये पाथ ज्यादा है. ओके सर. दैट मींस इफ दिस इज रे वन, इफ दिस इज रे टू, इसमें रे वन जीत रहा है, इसमें रे टू जीत रहा है, तभी जाके इन दोनों का पाथ लेंथ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाएगा. एक बार वन बड़ा होगा, एक बार टू बड़ा होगा, तब जाके कैंसिल आउट करेगा पार्ट डिफरेंस. तो जो लोकेशन है वो सेंट्रल लाइन के
नीचे होगा, कोई यहाँ पर होगा, यहाँ पर डेल फाई का वैल्यू जीरो होगा, ठीक है सर? उनका साइंस नेगेटिव आएगा ना सर, नेक्स्ट पार्ट में नेगेटिव आएगा साइन, क्या चीज? अगर मैं पाथ डिफरेंस, मतलब पहले वाले में सर अगर पाथ डिफरेंस पॉजिटिव था तो नेक्स्ट वाले में पाथ डिफरेंस नेगेटिव होगा, इसलिए कैंसिल आउट हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। ठीक है आगे बढ़े। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या देखो, इफ द इंटेंसिटी ड्यू टू ईच लाइट वेव एट द पॉइंट ओ इज आई नॉट, देन फाइंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ओ। ओ पॉइंट में पूछा है, ठीक है ना? कैन यू टेल मी व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस एट द पॉइंट ओ? ओ पॉइंट में कितना पार्ट डिफरेंस होगा? एनीवन? सर डेल एक्स वन। यस, ओ पॉइंट में अगर देखे तो ओ पॉइंट का जो पाथ डिफरेंस होगा, पाथ एक मिनट, पाथ डिफरेंस एट ओ पॉइंट इज इक्वल टू डेल एक्स वन, बिकॉज जो भी पाथ डिफरेंस आया होगा वो स्लिट के पहले ही आया होगा। स्लिट के बाद तो दोनों रे का लेंथ क्या है, सेम। तो स्लिट के पहले कितना पाथ डिफरेंस आया था? दैट वाज डी साइन थीटा, सो दिस वाज अ पाथ डिफरेंस। अगर ये पार्ट डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस क्या होगा? यहाँ से हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, दैट इज डेल पाई 1, दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा 1 इनटू डेल एक्स 1, ठीक है ना? तो यहाँ से 2 पाई लैम्डा 1 का वैल्यू हमको पता है, डेल एक्स 1 का वैल्यू पता है, हमको फाई का वैल्यू पता चल गया, ठीक है? हमको फाई का वैल्यू पता चल गया कि फेज डिफरेंस कितना है। अगर हमको फेज डिफरेंस पता है तो हम इंटेंसिटी का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? आई इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, ठीक है? और यहाँ पर फाइ का वैल्यू हमने कहाँ से निकाल के रखेंगे? यहाँ से निकाल के रखेंगे। तो इस फाइ का वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको इंटेंसिटी पता चल जाएगा, ठीक? क्लियर है? बोलो। चलो चलो गिव मी एन आंसर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। एनीवन विद एनी डाउट? यस सर। बहुत लोग हैं, 21 लोग हैं। जैसे मुझे अगर बोलने में शर्म आ रहा है तो लिख दो मैसेज में, मैं मैसेज देख रहा हूँ। इफ एवरीथिंग इज ओके हम आगे बढ़ेंगे। ओके सर। Find the y coordinate of the nearest maxima above O. ये तुम लोग करोगे। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये तुम लोग करोगे। This last one. अपने कॉपी में अच्छे से लिख कर रखना और मुझे बताना हो पाया ही नहीं हो पाया तो मुझे बताना। Find the y coordinate of the nearest maxima. ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं किया, बट अगर कैलकुलेशन करता है तुमको पता चलता है। देखो डेल फाई, ठीक है ना? डेल फाई, डेल फाई इज द ये जो फेज डिफरेंस निकला है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द फेज डिफरेंस एट पॉइंट ओ, ठीक है ना? दिस इज द फेज डिफरेंस एट द पॉइंट ओ। या तुम यहां से पार्ट डिफरेंस भी निकाल सकते हो, अगर फाइव पता है तो पार्ट डिफरेंस भी पता है। तो इसके जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे सबसे नियरेस्ट मैक्सिमा क्या होगा वो पूछा गया, वो तुमको सोच के निकालना है और तुम खुद से करोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है? और नोट्स ढंग से बनाना, दिस क्वेश्चन आर वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है? लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। ओके, इन ए YDSE apparatus shown, फिगर डी इज मच मच स्मॉलर एज कंपेयर टू कैपिटल डी, मतलब डी का वैल्यू जो है वो कैपिटल डी से बहुत ही छोटा है, एंड डी इक्वल टू 6 लैम्डा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सा रिलेशन है कि डी का वैल्यू कितना है, 6 लैम्डा है। द टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमस एंड मिनिमस ऑन द स्क्रीन, ये पूछा गया है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमस एंड मिनिमस ऑन द स्क्रीन,
मैं तुमको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मैंने ये चीज पढ़ा था क्लास में, अगर तुमने वीडियो देखा होगा यू शुड बी एबल टू रिमेम्बर, गिव मी एन आंसर, इसका आंसर क्या होगा? चैट में लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमस एंड मिनिमस ऑन द स्क्रीन. फॉर्मूला बताने नहीं बोला, आंसर बताओ आंसर. अंतरिक्ष आंसर बताओ, फॉर्मूला नहीं. Thirteen, okay, and 12. Anyone else? Anyone else? Okay, chalo. Now this question is very very important in the sense ki yahan par on the screen pucha gaya hai. कहां पर पूछा गया कि कितने सारे मैक्सिमस एंड मिनिमस तुमको स्क्रीन में मिलेगा. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन रियलिटी द स्क्रीन कैन नॉट एक्सटेंड टिल इंफिनिटी. बात को समझो, द स्क्रीन कैन नॉट एक्सटेंड टिल इंफिनिटी. इंफिनिटी तक ये स्क्रीन एक्सटेंड नहीं कर सकता. और बात को समझो, यहाँ पर अगर पार्ट डिफरेंस डेल एक्स इक्वल टू जीरो है, वी ऑल नो कि अगर हम ऊपर जाएंगे पार्ट डिफरेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना. पार्ट डिफरेंस इन दिस केस विल इंक्रीज, डेल एक्स विल इंक्रीज. और हमको पता है कि एट इंफिनिटी, समवेयर हियर एट इंफिनिटी, हमको पता है कि मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस कितना होगा. मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस 6 लैम्डा होगा, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो एट इंफिनिटी. बट यहां पर अगर क्वेश्चन में तुमको पूछा कि स्क्रीन में कितना प्लॉट हो सकता है, तो इन्फिनिटी में देखो ध्यान से, इन्फिनिटी में भी एक मैक्सिमा बन रहा है, 6 लैम्डा 6 लैम्डा. मैंने तुमको समझाया था कि लैम्डा का अगर इंटीजर नंबर होता है तो हमेशा तुमको एक मैक्सिमा मिलेगा, लेकिन ये वाला जो मैक्सिमा, ये वाला जो यहाँ पर मैक्सिमा बनेगा, दिस विल नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, Not be projected on screen. ये स्क्रीन में कभी आएगा ही नहीं, बिकॉज ये वाला जो मैक्सिमम हमको कहां पर मिलेगा, इन्फिनिटी में मिलेगा. और ये वाला भी स्क्रीन में नहीं आएगा, बिकॉज इतना पार्ट डिफरेंस हमको इन्फिनिटी में ही मिलेगा. बात समझ आया? तो तुमने कैसे कैलकुलेट किया होगा नंबर, नंबर ऑफ मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट किया होगा? मैंने तुमको फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला क्या था, पहले d को लैम्डा से डिवाइड करो, बिकॉज मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस क्या होता है, d होता है. तो d में लैम्डा कितना बार आएगा, d बाय लैम्डा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इनटू 2 प्लस 1. सो यहां पर क्या आ जाएगा, दिस इज 2, d बाय लैम्डा कितना आएगा, 6 प्लस 1. तो आंसर एक्सपेक्टेड 13 है, लेकिन 13 नहीं होगा, हमको 13 से 2 माइनस कर देना पड़ेगा. यू नीड टू सब्सट्रैक्ट 2 मैक्सिमस फ्रॉम 13, बिकॉज ऊपर का टॉप मोस्ट मैक्सिमा और नीचे का जो बॉटम मोस्ट मैक्सिमा है, दे विल नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, एंड द आंसर इन दिस केस विल बी इक्वल टू 11. ठीक है, दैट मींस अगर मैं कौन से पार्ट डिफरेंस में मुझे मैक्सिमम मिलेगा वो अगर बताना है, एक तो जीरो में आएगा, एक तो प्लस माइनस लैम्डा में आएगा, एक तो प्लस माइनस 2 लैम्डा में आएगा, एक तो प्लस माइनस 3 लैम्डा में आएगा, एक तो प्लस माइनस 5 लैम्डा में आएगा, 6 लैम्डा ग्रुप में नहीं आएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8, एक मिनट, उस कुछ गड़बड़ किया गया, 2 3 4 5 6 7, ओह सॉरी, यहाँ पर प्लस माइनस 4 लैम्डा मिसिंग हो गया था. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 मैक्सिमस. ओके, नाउ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, किसी को अगर क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है. सर 5 लैम्डा क्या लार्ज नहीं होगा? ओके, द क्वेश्चन इज क्या 5 लैम्डा लार्ज नहीं होगा? 5 लैम्डा लार्ज होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में
ऐसे क्वेश्चंस अगर आता है तो जो पार्ट डिफरेंस हमको इन्फिनिटी में मिल रहा है सिर्फ उसी को ही नेगलेक्ट करना है, बिकॉज वो अनअचीवेबल है. इन्फिनिटी वाला जो पार्ट डिफरेंस है वो अनअचीवेबल है, इसलिए हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे. लेकिन 5 लैम्डा अचीवेबल है, राइट? तो हम 5 लैम्डा को इंक्लूड करेंगे. एनीथिंग एल्स? अभी थोड़ी देर बाद ये बंद हो जाएगा तो मैं फिर से और एक लिंक दूंगा, उसमें फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना? ओके. अभी तुमको यहाँ पर पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज द 2y कोऑर्डिनेट्स कोरिस्पोंडिंग टू द थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा. थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा, अभी तुम खुद सोच के देखो, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा क्या सेंट्रल लाइन के पास होगा या बहुत ऊपर होगा? कम ऑन, गिव मी एन आंसर, चैट में आंसर दो. मेरा क्वेश्चन सुनो, मैंने बोला कि जो थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा होगा वो सेंट्रल लाइन के बहुत पास होगा या दूर होगा. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर बहुत पास हुआ तो साइन थीटा को हम टेन थीटा मान लेंगे, बहुत दूर हुआ तो साइन थीटा को साइन थीटा ही मानना पड़ेगा, हम चेंज नहीं कर पाएंगे. थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा का मतलब है कि डेल एक्स का वैल्यू हम क्या लिख देंगे, 3 लैम्डा लिख देंगे, और डेल एक्स का वैल्यू नेक्स्ट लाइन में हम लिख देंगे डी साइन थीटा इक्वल टू 3 लैम्डा. क्या मैं यहाँ पर डी साइन थीटा को डी टेन थीटा लिख पाऊंगा या नहीं? चलो गिव मी एन आंसर. अंशुमन ने कहा हाँ सर, अंतरिक्ष ने कहा नहीं नहीं. ओके, लेट्स सी कितने लोग जवाब देते हैं. स्मृति नो, आसिफ नो, साइद नो, हाँ सर साइद इज हाँ, प्रशंजित नो, डैनियल नो. ओके, आई एम वेटिंग फॉर अदर्स. 20-21 लोग हैं, सबसे एक ना एक रिप्लाई आना चाहिए. ओके, yes, most of you are correct. The answer is no, because तुम एक चीज इमेजिन करो यार, मतलब यहां से सेंट्रल लाइन से इंफिनिटी तक तुमको कितना सारा मिल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिर्फ 6 मैक्सिमस मिल रहा है. एक फर्स्ट जीरो जीरो यहाँ पर होगा, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा और सिक्स्थ. सिक्स वाले इन्फिनिटी में पहुंच जाएगा, तो तुम्हारा सिक्स्थ मैक्सिमा ही इन्फिनिटी में है, तो थर्ड मैक्सिमा कहाँ पर होगा? बहुत ऊपर होगा, बहुत ऊपर. अगर बहुत ऊपर होगा, इफ इट इज वेरी वेरी हाई, तो यहां से अगर मैं एक लाइन खींचू, एक मिनट, यहां से अगर मैं एक लाइन खींचू, वो लाइन बहुत ऊपर होगा और ये जो कोरिस्पोंडिंग एंगल है, दिस एंगल विल बी वेरी वेरी लार्ज. दिस एंगल, एक मिनट, दिस एंगल थीटा विल बी वेरी लार्ज. तो यहाँ पर हम डी साइन थीटा को डी टेन थीटा नहीं लिख पाएंगे, डी साइन थीटा को डी साइन थीटा ही लिखना पड़ेगा. साइन थीटा को हम क्या लिख देंगे, 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय छोटा डी, छोटा डी को 6 लैम्डा लिख सकते हैं, लैम्डा लैम्डा चला जाएगा, एंड थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 1/2, दैट इज थीटा इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, 30 डिग्री. बात समझ में आया? थीटा इन दिस केस इज इक्वल टू 30 डिग्री. और 30 डिग्री का मतलब क्या है, 30 डिग्री का मतलब है कि एक तो प्लस 30 ऊपर की तरफ होगा और एक माइनस 30 नीचे की तरफ होगा. सिर्फ थर्ड मैक्सिमम ऊपर नहीं होता, थर्ड मैक्सिमम आपको नीचे भी मिलेगा. और इसका वाई का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, वाई का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं. ध्यान से देखो, अगर ये हाइट, इफ दिस हाइट इज टेकन एज वाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ दिस हाइट इज टेकन एज वाई, हमको थीटा का वैल्यू ऑलरेडी पता चल गया, तो थीटा का वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो हम 10 थीटा का वैल्यू भी आराम से लिख सकते हैं. 10 थीटा इन दिस केस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना होगा, वाई डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, and y का वैल्यू कितना होगा, कैपिटल d into 10 theta, that is 10/30, and 10/30 in this case is what, 1/√3. तो y का वैल्यू होगा plus minus d divided by root 3, because एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा. कोई डाउट, यू कैन आस्क मी नाउ. कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो. कम ऑन, कुछ जवाब, एनी कुछ आवाज निकालो, रिप्लाई दो या मैसेज करो, कुछ बोलो. इज इट ओके? सो व्हाट विल हैपन इफ वी कट द स्क्रीन, स्मृति का क्वेश्चन है. सच इट ओनली द मैक्सिमस ऑफ द स्क्रीन विल अपीयर, विल द स्क्रीन एडजस्ट ऑल द मैक्सिमस एंड मिनिमस इन दिस कंडीशन? नहीं, मैक्सिमम मिनिमम अपने आप को एडजस्ट नहीं करेगा यार. मतलब देखो, स्क्रीन रखने का मतलब यह है कि हमको वो जो इंटरफेरेंस हमको दिखाई देगा. अगर मैं स्क्रीन को काट दूंगा तो सिर्फ अगर मैं टॉप पोर्शन ऑफ स्क्रीन को रखता हूँ और बॉटम पोर्शन ऑफ स्क्रीन को हटा देता हूँ तो बॉटम पोर्शन वाले मैक्सिमस और मिनिमस हमको दिखाई नहीं देगा. पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैक्सिमस मिनिमस वहां पर एग्जिस्ट नहीं करते.
मैक्सिमस मिनिमस एग्जिस्ट हमेशा करेंगे, स्क्रीन हमें चाहिए क्योंकि स्क्रीन पे लाइट जाके जब गिरेगा हम उसको डिटेक्ट कर पाएंगे एंड दैट इज द रीजन हमको स्क्रीन चाहिए होता है। तो सब लोग एक बात सुनो कि अगर स्क्रीन ना भी हो तो जहां पर मैक्सिमस है और जहां पर मिनिमस है वहां पर उनका लोकेशन वैसा ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। स्क्रीन हमारे लिए है, स्क्रीन इज जस्ट फॉर मी, जस्ट फॉर अस, सो दैट वी कैन विजुअलाइज, सो दैट वी कैन सी कहां पर ब्राइट स्पॉट है और कहां पर डार्क स्पॉट है। इज दैट क्लियर स्मृति? गिव मी एन आंसर। ओके ओके, चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, लेट्स मूव अहेड फटाफट। एवरीवन टेक अ स्क्रीनशॉट, तुम्हारे कॉपी में ये सब अच्छे से नोट करके रखना। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, देखो नोट अच्छा कब बनता है पता है ना, एक बार में नहीं बनता, ये धीरे धीरे नोट जो है रिच बनते जाते हैं। कभी ना कभी तुमको कोई अच्छा क्वेश्चन मिला होगा, उसको अपने नोट में लिख के रखो। सो यू कीप ऑन डूइंग दैट प्रोसेस और तुम्हारा जो नोट है ना वो इम्प्रूव होते जाएगा बहुत। तो अच्छे से अपने नोट्स में थ्योरी सारे प्रॉब्लम्स और हमेशा जगह छोड़ के रखना, ताकि आगे जाके किसी एग्जाम में कोई अच्छा क्वेश्चन मिल गया, किसी डिस्कशन में अच्छा क्वेश्चन मिल गया, यू कैन राइट इट डाउन। ठीक है, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन नाउ, एवरीवन ऑन दिस क्वेश्चन, ये तुम खुद कर सकते हो। आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स, सब लोग ये क्वेश्चन पढ़ो एंड गिव मी एन आंसर क्या होगा। There's a large circle, not a screen this time, around 2 current sources S1 and S2, kept at a distance of d equal to 3.4 lambda. मतलब S1 और S2 के बीच का जो distance है, that is equal to 3.4 lambda. और ये जो तुमको circle दिख रहा है, उसको तुम ऐसे screen मान लो, मतलब circular screen है। मतलब circle के circumference पे light जाके interfere करेगा और circle के circumference पे तुमको bright dark spots मिलेगा। तो तुमको पूछा है find the total number of maximas on the circle. Find the angular positions corresponding to the third order minima on the circle. चलो B वाले क्वेश्चन को लेके अभी टेंशन मत लो, सिर्फ A वाले का जवाब दो मुझे। Find the total number of maximas on the circle. I'm waiting for the chat. करो और चैट में रिप्लाई दो, मैं देख पाऊंगा तो। हेलो, अच्छा ये मीटिंग खत्म होने वाला है, मैं इसको बंद करने वाला हूँ। ठीक है, तुम लोग को और एक नया लिंक दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। फाइन, तुम लोग सुन रहे हो ना? हाँ सर। ओके, और एक लिंक भेज रहा हूँ मैं तुमको अभी एंड करके।